अपने दौर के चर्चित नेता रहे रामविलास पासवान तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनकी सियासी विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे बात तो ये सभी जानते हैं कि चिराग किसी जमाने में फिल्मों में एक्टर बनना चाहते थे। उनकी एक फिल्म मिले ना मिले हम साल 2011 में रिलीज भी हुई थी। कमाल की बात तो ये थी कि चिराग की इस डेब्यू फिल्म में उनकी हीरोइन कंगना रनावत थी। वैसे बाद में पिता के खराब सेहत को देखते हुए चिराग ने राजनीति का रुख कर लिया और अपने फिल्मी सफर को एक फिल्म के बाद ही विराम दे दिया। साल 2011 में चिराग की डेब्यू मूवी मिले न मिले हम रिलीज हुई थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब रामविलास पासवान के साथ चिराग भी जयपुर में ही थे। जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो चिराग के साथ रामविलास पासवान भी पहुंचे थे। हालांकि फिल्म शुरू होने के 40-45 मिनट बाद ही रामविलास शो छोड़कर जाने लगे। तब वहां पर लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें चिराग की डेब्यू फिल्म पसंद नहीं आई, तो इसके जवाब में रामविलास पासवान ने कहा था कि उनके पहले से ही कई कार्यक्रम फिक्स है, इसलिए वो इत्मीनान से घर में बैठकर चिराग की फिल्म परिवार के साथ देखेंगे। वैसे चिराग बिहार की राजनीति के सबसे मुख्य चेहरों में से एक है, युवा है और लिखे पढ़े होने की वजह से उन्हें बिहार के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अभी से जिस तरह से उन्होंने मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल तैयार किया है, उससे उन्हें सियासत के महारथी भी लंबी रेस का घोड़ा मानकर चल रहे हैं। फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।